दोस्तों मेरे साथ है वाइंडिंग एक्सपर्ट अतुल डहरवाल सर, और ये जो आप देख रहे होंगे ये सीलिंग फैन है, और सीलिंग फैन की इसके सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे कि सीलिंग फैन अच्छा है या खराब है, मतलब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये आप यहाँ पर प्रॉपर रूप से चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस ये जो मोटर दिख रही है आपको सीलिंग फैन को, हम इसमें पहले सीरीज में चेक करेंगे, और सीरीज में चेक करने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोटर चालू है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो सीलिंग फैन खराब होने से पहले उसे हम सीरीज में टेस्टिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सीरीज लैंप से इसकी टेस्टिंग की जा रही है, आप चेक कर रहे होंगे इसमें, इसमें दो पॉइंट को चेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं किसी दो पॉइंट को चेक करेंगे, इस टाइप से आपको चेक करना है दोस्तों। इसमें तीन सिरे हमें प्राप्त है, जिसमें एक सिरा जो ब्लू वाला दिख रहा है इसमें टेपिंग कर करके न्यूट्रल निकाला गया है, जिसमें एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर, जो ऐसी कॉइल हम बनाते हैं, ये स्टेटर देख लीजिए, इसमें हम दो चार टर्मिनल निकलते हैं, जो दो स्टार्टिंग से निकलते हैं दो रनिंग से निकलते हैं, तो दोनों का हमने आपस में क्या किया है, एक एक टर्मिनल शॉर्ट करके ऐसा नीला निकला हुआ है, जिससे हम न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं, और इसके बाद एक रनिंग का पॉइंट और एक स्टार्टिंग का पॉइंट। तो हम इसमें जिसमें दो कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के वायर लगे हुए हैं एक एक छोर में, इसको हम आपस में देख लेते हैं कि रनिंग का स्टार्ट और स्टार्टिंग में से कॉइल में से कौन सी खराब है। ये देखिए लैंप हमारा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इससे कॉइलें जो है बीच से ब्रेक होगी क्योंकि लैंप काम नहीं कर रहा है। दोस्तों ये लैंप जलना चाहिए लेकिन ये लैंप नहीं जल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें कॉइल कहीं ना कहीं से बीच से ब्रेक है, इसी वजह से लैंप नहीं जल रहा है। तो आपको सीरीज में इस तरीके से चेक करना है। अब हम इस फैन को जो है हम एक बार यहाँ पे कॉइल की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें टेस्टिंग कैसी करेंगे हम, इसमें दोनों पॉइंट को चेक करेंगे, इसमें दो पॉइंट दिख रहा है आपको और ये लैंप जलता हुआ दिख रहा है, ये इसमें दो पॉइंट को हमने चेक किया, एक कॉइल कहीं ना कहीं से ब्रेक है, इसमें एक कॉइल ठीक है, कहीं ना कहीं से ब्रेक है और एक ठीक है दोस्तों। और इसमें हम बॉडी करंट भी चेक कर लेंगे जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारा उसके साथ, और ये एक पॉइंट बॉडी के साथ, देखिए लैंप नहीं जल रहा, हमारा लैंप नहीं जल रहा है, बॉडी करंट भी चेक कर रहे हैं दोस्तों लेकिन लैंप नहीं जल रहा है, तो बॉडी नहीं है, तो बॉडी में करंट नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसमें एक कॉइल कोई ना कोई एक कॉइल ब्रेक है, तो उस एक कॉइल को हम यहाँ पर उसकी कॉइल फिर से वाइंडिंग करेंगे हम। सीलिंग फैन बना रहा है, 12 mm का सीलिंग फैन है ये, और इसमें ये वाइंडिंग कर रहा है, ये किस प्रकार से वाइंडिंग कर रहा है, एक कॉइल क्लॉकवाइज और एक कॉइल एंटी क्लॉकवाइज के तरीके से ये कंटिन्यू वाइंडिंग करते हुए जा रहा है। सीलिंग फैन में दो कॉइल होती है, एक स्टार्टिंग कॉइल और एक रनिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल में इन्होंने 380 टर्न्स डाला है और रनिंग कॉइल में स्टार्टिंग कॉइल में 360 टर्न्स डाले हैं और रनिंग कॉइल में 380 टर्न्स डाले हैं। ये पंखे की स्टेटर की चौड़ाई के अनुसार ये टर्न्स कम ज़्यादा होते हैं। उस बार कंप्लीट कर जिसमें ये होती है स्टार्टिंग कॉइल और इसके ऊपर हम डालेंगे रनिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल जो हमने स्टेटर काटे थे ये है स्टार्टिंग कॉइल, और रनिंग कॉइल हमने जब इससे पहले में स्टेटर काटे थे तो स्टार्टिंग कॉइल में 360 टर्न थे और रनिंग कॉइल में जो है 380 टर्न थे, तो हमने 360 टर्न इसमें एक स्टार्टिंग कॉइल हमारी कंप्लीट हो गई है, जो इससे कॉइल एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से लपेटी जाती है, और हम जो है हमारी स्टार्टिंग कॉइल अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रनिंग कॉइल के लिए पेपर फिलअप करेंगे, पेपर ऐसे फिलअप करते हैं, हमने जो स्टेटर का नाप लिए हैं नाप के हिसाब से इस पेपर को काटे हैं, जैसे हमारा स्टेटर जो है इसकी चौड़ाई है 10 से 12 mm, तो हमने यहाँ 15 mm का पेपर लिया हुआ है ताकि दोनों वाइंडिंगों के बीच में गैप आ सके और बॉडी से दूर रहे। हम इस प्रकार का पेपर फिलअप करेंगे और इसके बाद रनिंग वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये हमारा तार का टेयर है 36 नंबर तार हम इसमें उपयोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग कॉइल की संख्या 360 और रनिंग कॉइल की संख्या 380। इसी तरह स्टार्टिंग कॉइल स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी रनिंग कॉइल
ये हमने कनेक्शनों के लिए सामने हमें इस प्रकार से दो छोर छोड़ने हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग कॉइल यहाँ से स्टार्ट किया था और ये हमारा एंड पॉइंट, इसे हमने ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गुड यानी लपेटते हुए पूरा कर लिया है। अब इस चार हम रनिंग कॉइल स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्टिंग इसकी क्लॉकवाइज कर रहे हैं और जो नेक्स्ट कॉइल जो आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी इस तरह से। तो हमें अभी यहाँ पे 380 टर्न पूरे करने हैं, उसके बाद हम इस कॉइल में आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यह वाइंडिंग मशीन, इससे पहले हमने हाथ से टर्न किए थे जिसमें हमें बहुत समय लगता था, इसलिए हमने जो है मशीन है उपलब्ध है हमारे पास, हम इस मशीन से बनाएंगे। जिसमें यहाँ पे देखिए ये स्टेटर फंसाना होता है, यहाँ पे हम स्टेटर फंसाते हैं और ये जो है तार का टेयर इधर रखा हुआ है हमारा, यहाँ से ऐसे तार होते हुए काउंटिंग मीटर के साथ आगे ये आती है और इससे भी वैसे ही करना है। देखिए ये कनेक्शन लीड यहाँ पे निकाल देते हैं हम और उसके बाद इसे लपेटना चालू करते हैं। तो ये हमने उसमें हमने जब ही जब हाथ से टर्न कर रहे थे तो उसमें पेपर लंबे भरे हुए थे, देखिए इसमें छोटे पेपर लगते हैं जिससे हमें भरने में आसानी हो और ये यहाँ से तार पकड़े ना। ठीक, खांचे में अगर कॉइल फिल करना है, तार फिल करना है तो हमें इस खांचे में बैठाना पड़ेगा इसे। स्टेटर जो है अब बैठ चुका है और ये और इसके बाद ही फिल करने के बाद ये देखना है कि हमें कहीं तार फंस तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा तार फंस नहीं रहा है या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस तरह से इसमें चला देंगे तो तार फिलिंग होने लगेगी और हमारा काउंटिंग मीटर यहाँ पे हमारे टर्नों को जो है काउंट कर रहा है। हमने जब ही इसमें भी स्टार्टिंग में 360 टर्न डाले हुए हैं और रनिंग में जो है हम 380 टर्न ही डाल रहे हैं। देखिए हमने रनिंग कॉइल पहले बना स्टार्टिंग कॉइल बना लिए हैं जिसमें 360 टर्न है, हम ये जो बना रहे हैं रनिंग कॉइल है, रनिंग कॉइल में 380 टर्न हम भर रहे हैं। फैन अब कंप्लीट हो चुका है, जो स्टेटर में हमने वायरिंग कर रहे थे वो हमारी स्टार्टिंग वायरिंग और रनिंग वायरिंग दोनों कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे कनेक्शन करने से पहले की कुछ। देखिए अब इसके हम कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं, पंखा रेडी हुआ है हमारा, इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है उसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा सीरीज बोर्ड हो गया, ये हमारी रनिंग कॉइल, रनिंग कॉइल टू रनिंग कॉइल ठीक है क्योंकि बॉडी में भी करंट नहीं दिखा रहा है, यानी हमारा रनिंग कॉइल ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल भी हमारी ठीक है, ठीक है, बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है, हम इससे कनेक्शन कर लेंगे जल्दी जल्दी। इसलिए हमें स्लीव डालना होता है जो हमने पहले से काट के रखे हैं, ये एक नंबर स्लीव है देखिए, इस तरह से हमें चार टर्मिनल जो निकले हैं हमारे चारों टर्मिनल में स्लीव भर लेंगे। इसे हमें एक न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, हमें चार टर्मिनल प्राप्त हुए हैं, हमें इस कनेक्शन के लिए हमें मात्र तीन टर्मिनल निकालना है, जिसमें एक हमें रनिंग कॉइल का और एक स्टार्टिंग कॉइल का, दोनों का एक एक टर्मिनल हम आपस में शॉर्ट कर देंगे जो न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा, और एक एक दोनों टर्मिनल रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के एक एक टर्मिनलों को डायरेक्ट जो है वायर के माध्यम से हम दोनों के टर्मिनल को बाहर निकाल लेंगे जिसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे। कर लिए हैं, ये हो गया हमारा कॉमन पाइप न्यूट्रल पॉइंट जिसमें हमने एक नंबर स्लो डाल करके नए तार से कनेक्शन कर दिया है और इसके ऊपर हम इस पर ऐसा सिलू चढ़ा देंगे ताकि ये बॉडी से टकराए ना और आपस में शॉर्ट ना हो, और आपस में शॉर्ट सर्किट भी होता है तो ये सिलू
उसे बचा लेता है। इसे सफेद कर देंगे, ये ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से स्लीव से पैक किया जा रहा है दो तार का, ताकि शॉर्ट सर्किट की जो संभावना बनी हुई है ये संभावना बनी ना रहे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको किसका कनेक्शन करना है, जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो आप जो स्लीव डली है इस स्लीव का ध्यान देंगे, और इसे किस तरीके से फोल्ड करना है ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इससे इसके बाद हम इसे धागे से जो है बांध लेंगे। अगर हमने ये तीन कनेक्शन निकाल लिए हैं, जो अंदर से हमने पहले भी दिखाया था, न्यूट्रल जो हमने माना है वो रेड कलर का वायर है और ग्रीन कलर के दोनों वायर है जो रनिंग कॉइल का एक पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट का एक, ये दो हो गए। ये तीन पॉइंट हमने बाहर निकाल लिए हैं, जिसमें एक न्यूट्रल पॉइंट हो गया, दो कैपेसिटर के निकाले हैं हमने। ये दोनों वायर जो है कैपेसिटर में लगेंगे और ये जो है न्यूट्रल पॉइंट का लगेगा। अब हम इसमें डालते हैं वार्निश, जो ये हमने लेके रखा हुआ है जो इसे सुरक्षा प्रदान करेगा, तारों को जलने से, हीटिंग से बचाता है। अब हम इसे इस तरह से वार्निश पिला देते हैं, और वार्निश पिलाने के बाद हम इसे धूप में रखेंगे ताकि ये 2-3 घंटे कम से कम सूख जाए और कॉइल नरम ना रहे। इसे पूरा सुखाने के बाद ही हम इसे बॉडी में पैक करेंगे इसकी। हमने इसे पूरा नहीं बांधा है क्योंकि हमारी कॉइल के बीच में ज़्यादा गेप नहीं है, कॉइल हमारी बिखरी हुई नहीं भरी हुई है। इसलिए हमने पूरा पूरा नहीं बांधा है, नहीं तो इसे पूरे भी धागे से पूरी कॉइलों को भी बांधा जाता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे तो उसमें पूरा बांध कर भी दिखाएंगे। इस तरह से दोनों साइड वार्निश पिला देते हैं और इसे सूखने देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि इस सेलिंग फैन की वाइंडिंग को किस प्रकार से वार्निश पिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग और दोनों वाइंडिंग को उसका कनेक्शन करने के बाद उसे वार्निश पिला दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में ये जो वाइंडिंग है ये खराब होने से बचे और इसके जो तार हैं वो इधर उधर रोटेट होने पर इधर उधर न निकले, इसलिए इसे वाइंडिंग पिला दिया जाता है। और इंसुलेशन पिलाने से क्या है कि कोई भी जो कॉइल है उस कॉइल के ऊपर का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो मजबूत हो जाता है।